मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने टीवी फिल्म निर्देशक प्रदीप कुमार से 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इनमें से 2 आरोपी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, 1 आरोपी के ऊपर राजनीतिक संरक्षण बताया जा रहा। सुनिए पूरी खबर निर्देशक के जुबान। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, 16 तारीख को, 16 मई को मुझे फोन आया, और अचानक रैंडम जब मुझे फोन आया तो सीधा यहीं, तू फोन कट मत कर, बात सुन मेरे, और मेरी बात सुनेगा ना तो तू बहुत ऊपर जाएगा, मुझे सब पता है तेरे बारे में, तेरे बारे में, तेरी बीवी के बारे में सब कुछ पता है, ये मत सोचना कि पता नहीं है। तेरा नया शूटिंग चालू हो रहा है ना मीरा रोड में, काशी मीरा में, उसके लिए 25 लाख रुपए दे, नहीं तो देख क्या करेंगे फिर पता। मैंने बोला भाई मैं छोटा इंसान हूँ, मैं क्या करूँगा। फिर उसके बाद आया, ठीक है कोई बात नहीं, तैयार रहना, तूने जो बोला है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि क्या करोगे, मेरी जान ले लोगे, मार दो मुझे। उसने बोला ठीक है ना, तूने जो बोला है ना तुझे मिलेगा। फिर उसके बाद उसका फोन नहीं है, फिर 18 तारीख को कॉल आया, बैक टू बैक, क्या सोचा ऐसा वैसा ये वो, प्राण कलंक गाली वोली सब बहुत कुछ, मतलब जान से मार देंगे ये वो, तू जानता नहीं है मैं किसके लिए काम करता हूँ ये वो। छोटा राजन का डीपी लगाया था, बाद में डीपी हटा दिया, और धमकियों पे धमकी, हमारी बात सुन ले फायदे में रहेगा, नहीं तो मार देंगे ठोक देंगे। छोटा राजन के नाम पे भी धमकी दिया था? नहीं, छोटा राजन के नाम पे धमकी नहीं दिया था, लेकिन उसने बोला कि मेरे बॉस बहुत बड़े लोग हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ, अच्छा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ बैकग्राउंड पता चला क्या करते हैं, कौन लोग हैं? सर आई वाज रियली, पहले तो मैं बहुत डरा था, बट जैसे मुझे पता चला मैं बहुत सरप्राइज हो गया। ये वो लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जो लड़का एक जो जिससे कॉल करवाया जा रहा था वो तो नॉर्मल गुंडा है, बट जो कॉल करवाने वाले लोग हैं, जो जिसके बारे में बोल रहा था कि वो बड़े लोग हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ, वो हमारे इंडस्ट्री के लोग निकले। एक डायरेक्टर है जो मेरे पहले शो में मेरी दुर्गा में काम किया हुआ, भूपेश कुमार बिहार से ही है, वो मास्टरमाइंड था, और उसके उसने शशांक सुमन करके एक डीओपी है उसको नंबर दिया। जो शशांक है वो बताया जा रहा है, मुझे भी तो बताया जा रहा है, मुझे कॉल्स भी आ रहे हैं कि वो मेरा भांजा है, ये है वो है, प्लीज देख लो ये करो, हमें तो नहीं पता। और मैंने ये भी सुना कि वो उसका धंधा है एक्सटॉर्शन का, वो बहुत लोगों को ऐसा किया हुआ है। मुझे अभी जस्ट फोन आया था, जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने बताया कि वो तो उसका धंधा है, और ऐसे ही पॉलिटिकल कनेक्शन से वो हर बार छूट जाता है। मेरे सामने ही वहाँ पे बैठे हुए मैं ऑर्डर साहब के साथ था, वहाँ पे कॉल्स आ रहे थे।